दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। मतदाता भाइयों से बहनों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें और केंद्र की सरकार के खिलाफ जो आक्रोश है उसका प्रकटीकरण वोट की चोट से करें। आज हो रहे पांचों सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत जनता करेगी। ये जो केंद्र की सरकार के खिलाफ आक्रोश है वो स्पष्ट जनता के चेहरे पर दिख रही है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। देश में दूसरे चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू है। बता दें कि बिहार में सुबह से 5 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। दूसरे तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं, इसको लेकर सियासी हलचल तेज है। इसी बीच मतदान को लेकर के राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने क्या कुछ कहा है, पहले उनकी पूरी बातों को सुने। आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। मतदाता भाइयों से बहनों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें और केंद्र की सरकार के खिलाफ जो आक्रोश है उसका प्रकटीकरण वोट की चोट से करें। बिहार में 5 जगहों पर मतदान हो रहा है, जो रिपोर्ट आ रही है उसमें सभी जगहों पर 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन के पक्ष में लोग मतदान कर रहे हैं। और जिस तरह से पहले चरण में 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत मतदाता भाइयों बहनों ने, नौजवानों, किसानों, मजदूरों, गरीबों ने सुनिश्चित की है, उसी तरह से आज हो रहे 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत जनता करेगी। ये जो केंद्र की सरकार के खिलाफ आक्रोश है वो स्पष्ट जनता के चेहरे पर दिख रही है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी बिहार आ रहे हैं, 2 जगहों पर चुनावी सभा करेंगे। श्री तेजस्वी यादव जी ने 10 सवाल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से किए हैं, उसका जवाब आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आज कम से कम देना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी काम की बात नहीं करते, सिर्फ बिहार को बदनाम कर चले जाते हैं, वही पुराना घिसा पिटा कैसेट बजाते हैं, आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार पर टिप्पणी कर चले जाते हैं। रोजी रोजगार की बात कब करेंगे, शिक्षा स्वास्थ्य की बात कब करेंगे। 39 सांसद बिहार ने 2019 में दिया NDA को, 2014 में 31 सांसद दिए, लेकिन बिहार को क्या दिया, विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, विशेष ध्यान बिहार पर देंगे, कुछ नहीं हुआ। कितने उद्योग, कितने कल कारखाने बिहार में लगे, बिहार क्यों पिछड़ा है। अब एक दिन पहले ही JDU नेता की हत्या हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज लॉ एंड ऑर्डर पर भी बोलेंगे कि बिहार में अपराधी राज किस तरह कायम है। ये जो तेजस्वी यादव जी के 10 सवाल हैं इसका जवाब आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजी रोजगार, पलायन, भुखमरी, गरीबी, महंगाई, इस पर बात करनी चाहिए, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ जुमलेबाजी की बौछार कर चले जाएंगे, ये जनता पहले से जान रही है। इस बार बिहार की जनता बदला लेगी सूद और ब्याज के साथ, पाई पाई का हिसाब। क्या कुछ कहा, बता दें कि एक तरफ जहां RJD के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने NDA की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस प्रकार से 17 सालों से बिहार में NDA की सरकार जो है लोगों को परेशान कर रही है, जनता को गुमराह करने में लगी हुई है, ऐसे में सरकार के खिलाफ हम लोगों से अपील करते हैं कि मतदान करें। बता दें कि इसी क्रम में तेजस्वी यादव ने भी NDA की सरकार पर जो है हमला बोला, और अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इस बार का जो लोकसभा चुनाव हो रहा है वह काफ़ी दिलचस्प है। इंडिया बनाम NDA की लड़ाई जो है वह देखी जा रही है। वहीं बिहार में NDA ने दावा किया है कि 40 लोकसभा सीट NDA जीत रही है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन की ओर से भी तैयारी पूरी है। तेजस्वी यादव ने भी दावा किया है कि NDA के सभी प्रत्याशियों को महागठबंधन के जो प्रत्याशी है वह हराने में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ पूर्णिया लोकसभा सीट जो है हॉट सीट बन चुका है और आज पूर्णिया में जो है चुनाव मतदान हो रहा है, ऐसे में पप्पू यादव का भी आज जो है फैसला होगा। हालांकि चुनाव परिणाम 5 जून को आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वोटिंग से भी जो है लोग आकलन जो है वह कर रहे हैं कि किसके पाले में जो है किसका पलड़ा जो है वह भारी हो रहा है। बता दें कि इस बार लोकसभा चुनाव जो है वो
कांटे की टक्कर बताई जा रही है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पांचवी बार बिहार आ रहे हैं, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से एनडीए के प्रत्याशी जो है और मजबूत होंगे, या फिर जिस प्रकार से महागठबंधन के की ओर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नेतृत्व कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि तेजस्वी यादव ने जो मोर्चा संभाला है तो जनता का भी क्या मूड है ये तो 5 जून को ही पता चलेगा। इस खबर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।